जनपद शामली का व्यापारी वर्ग यूपी सरकार के वादों के सख्त खिलाफ है। वहीं सरकार की वादा खिलाफी के चलते जनपद का व्यापारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर कैराना में होने वाले उपचुनाव के लिए वोट बहिष्कार पर उतर आया है। वहीं व्यापारियों ने जनपद में कई वर्षों से बनने वाले बाईपास को बनवाने की मांग की है। व्यापारियों ने बाईपास नहीं तो वोट नहीं की जमकर नारेबाजी की। दरअसल शामली में व्यापारियों ने मेरठ करनाल हाईवे पर विश्वकर्मा भवन में एक मीटिंग का आयोजन करते हुए कैराना में होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली है, जहां व्यापारियों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं व्यापारियों की मांग है कि जब तक जनपद में बाईपास का निर्माण नहीं होगा तब तक किसी भी व्यापारी का वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने यह कदम जनपद में लगने वाले जाम और सरकार के झूठे वादों के कारण उठाया है। व्यापारियों का कहना है कि जाम की स्थिति के कारण न तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टाइम से स्कूल पहुँचते हैं और न ही टाइम से घर वापिस आते हैं, जिससे परिजनों को काफी चिंता रहती है और जाम में एम्बुलेंस फंसने के कारण मरीज भी दम तोड़ देते हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट के कारण अब तक सैकड़ों मौत शामली में हो चुकी हैं। वहीं नाराज सभी व्यापारियों ने अपना कीमती वोट किसी भी राजनीतिक पार्टी को न देने की ठान ली है और मेरठ करनाल हाईवे पर सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान पर चुनाव का बहिष्कार के बैनर लगाने की बात कही है। वहीं पूरे शहर का व्यापारी वर्ग सोमवार से अपनी दुकान पर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगाकर वोट देने का बहिष्कार करेगा। वहीं सभी व्यापारियों का कहना है कि बाईपास दो और वोट लो, बाईपास नहीं तो वोट नहीं। वहीं अब देखना यह होगा कि कैराना की सरजमी पर उपचुनाव को लेकर जहां पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, वहीं कैराना में व्यापारियों को लुभाने के लिए किस पार्टी की राजनीति काम करती है। शामली से न्यूज 7 के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला है जी, पूरा शहर जाम से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई भी आदमी अपना कोई व्यापार नहीं कर सकता। इलेक्शन के टाइम नेता लोग आते हैं और झूठे सच्चे वादे करते हैं कि हम जाम को हटा देंगे, इसकी समस्या हटा देंगे। कोई समस्या नहीं हटा रहा, ना कोई बाईपास की तरफ कोई चल रहा, ना कोई बाईपास बने जिससे लोगों के बिजनेस चले। जैसे ये बाईपास की बात आपसे कही गई थी, कितना समय हो गया इस चीज़ को? ये तो 4-5 साल हो गई जी, सब परेशान है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कई स्टेट का ट्रैफिक जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है वो भी हमें भुगतना पड़ता है। हमारे बारे के कुछ आता है, सब लोगों के बारे के। तो अगर बाईपास नहीं बना तो आप क्या? बाईपास नहीं बना तो हम वोट नहीं देने के, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये उपचुनाव है कैराना के, इसको लेकर के? हाँ, कैराना का उपचुनाव है इसलिए हम इसका बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे जो बाईपास की समस्या हमारी दूर नहीं हुई तो व्यापारी भाई सब व्यापारी भाइयों का हमारी साथ मत है, हम इसका भाई वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे और हम वोटिंग नहीं करने के। वोट करने जाओगे तो कोई बटन दबाओगे? नहीं, वोट करने जाएंगे हम नोटा का बटन दबाएंगे, हम किसी को नहीं वोट देने के। हम वोट देने मामला ये है जी, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ट्रकों के पहियों की जड़ में कुछ बच्चे साइकिल लेके निकलते हैं, एक का घंटे में जो है रोड पास करते हैं। मरीज जाम और एम्बुलेंस और झगड़े होते हैं, मोटरसाइकिलें जो है वे ट्रकों के नीचे घुसी रहती हैं। जीवन सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, कोई वाहन नहीं खड़ा कर सकते अपने बार आगे, कारोबार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो रही कहानी बिल्कुल। इसलिए हम बहिष्कार करते हैं चुनाव का बिल्कुल। मांग क्या है आपकी? बाईपास, रिंग रोड, इसके बगैर शामली का काम नहीं चलेगा। क्या वोट देंगे आप अगर रोड नहीं बनता है, बाईपास नहीं बनता? बिल्कुल नहीं देंगे। स्वास्थ्य के संबंधित में कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ केवल झूठे वादे करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, हमें झंडे पकड़ा देते हैं कि हमारा गुणगान करो और वो हम तुम्हारे लिए बाईपास बनाएंगे, रोजगार के अवसर कराएंगे, स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं को दूर करेंगे, जल देंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे, कुछ नहीं देते। सिर्फ इस रोड पर जाम ही जाम है, ऐसा वाहन है जो मतलब जो ये ट्रक आ रहे हैं इसमें, इनका शामली से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी को या शामली वाले को इनसे एक रुपए का फ़ायदा नहीं होता, इनको शहर के बीच में से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर परेशान है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, घंटों घंटों वापस नहीं आते, छुट्टी होने के बाद भी हमें फ़ोन करके स्कूल वालों से पूछना पड़ता है कि भाई बच्चा स्कूल में ही है या कहाँ है, फिर हमें बच्चे को वापस लेके आना पड़ता है। इसका एक ही समाधान है कि रिंग रोड द्वारा बाईपास का निर्माण किया जाए, जो कि आज तक हमें झूठे वादों में दिखाया गया है। हमें सपने दिखाए गए हैं, हम सपने देखते हैं और सो जाते हैं, हम उठते हैं, हम पशु हैं, यही राजनेता सोचते हैं कि इनको कोई डिमांड नहीं है। जब तक ये नहीं बोलेंगे इनको कुछ नहीं मिलेगा।
तो आज हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, चाहे ये चुनाव हो चाहे आने वाला 2019 का चुनाव हो, हमारा बहिष्कार चालू रहेगा। जब तक बाईपास नहीं बनेगा हम व्यापारिक संगठन वोट नहीं देंगे और हम अपनी इस एसोसिएशन को आगे तक बढ़ाएंगे।